100% यूजर। इसके लिए जो पहले ही बोले प्रोडक्ट मैनुअल रजिस्ट्रेशन सब कुछ आपको एक एक चीजों को ले लीजिए। यह बिजनेस किसी और का नहीं, यह बिजनेस अपलाइन का नहीं, यह बिजनेस डाउनलाइन का नहीं, यह बिजनेस आपका अपना बिजनेस है। इस बिजनेस को जिस समय आप अपने हाथों में ले लिए, अपने आप में यह बिजनेस समझने लगे, उस समय यह बिजनेस और फास्ट होगा। आज देखिए ना, नॉर्मल यहाँ पे कितने लोग बिजनेस मैन है, बिजनेस जो कर रहे होंगे, दुकान चला रहे होंगे, या फिर चलिए बहुत लोग बिजनेस मैन। अब एक बात बताइए सर, या जो आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस में पैसा किसका लगा है? पैसा आप ही का लगा है। इस बिजनेस में पैसा सेफ शॉप में किसका लगा है? आप ही का लगा है। वहां भी पैसा के बदले आप कुछ ना कुछ सामान मंगवाए होंगे, यहां भी आप पैसा के बदले सामान मंगवाए हैं। वहां भी कब काम करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी होती है, यहां भी कब काम करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी है। यानी कि ये बिजनेस किसका है? आपका बिजनेस है। और जब आप बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो खाली पैसा लगा के छोड़ देते हैं कि आप उसको सीखने की कोशिश करते हैं ना, यहां से माल मंगवाएंगे तो ठीक रहेगा, यार यहां से ये करेंगे तो ठीक रहेगा, सीखते हैं ना। तो यहां पे नहीं सीखेगा, सोचिए वो लाखों लगाकर हजारों दे रहा है या हजारों लगाकर लाखों दे रहा है। वहां लाखों लगाने के बाद भी सुबह से शाम तक जिंदगी भर चलना है, यहां पार्ट टाइम में 4 साल चलना है। लाखों लगाने के बाद भी गारंटी नहीं कि वो बिजनेस चलेगा, लेकिन अगर नहीं चला तो लाखों का नुकसान हो सकता है। ये बिजनेस भी नहीं चलेगा, अगर ये नहीं चला तो सामान तो घर में है और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो सोचिए उसके लिए अगर सीख सकते हैं तो इसके लिए क्यों नहीं सीख सकते। और सीखने में कोई बुराई नहीं है, तो इसको करिए, बहुत बेहतर होगा अगर 100% यूजर बनते हैं। थ्री कार्डिनल रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, नेवर डू एनी न्यू थिंग्स विदाउट आस्किंग योर एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन। इस बिजनेस में बहुत बार क्या होता है, लोग अपना पूरा दिमाग लगाते हैं, लेकिन हम इस बिजनेस को एक ही चीज जानते हैं, आपके पास जितना दिमाग है उसको अपने बिजनेस में, अपने परिवार में, समाज में जितना लगाना है लगाइए, लेकिन इस बिजनेस को करने निकलिए तो अपना दिमाग कहीं खूंटी पर टांग दीजिए और उसके बाद निकलिए। मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बस एक ही इसमें नियम है, अप्लाई से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ ऐसे, बस एक ही नियम है। इस नियम को जो अडॉप्ट कर लिया वो इसमें सक्सेस हो गया। हम इसमें अगर इंजीनियर वाला दिमाग लगाते कि भाई मास्टर डिग्री है, इंजीनियर है, हमारे पास तो इतना दिमाग है, और जो मेरे अप्लाई है वो एक स्टूडेंट है ग्रेजुएशन के, तो क्या काम चलता? नहीं चलता। हम यहाँ पे अपना दिमाग लगाना छोड़ दिए, अप्लाई का दिमाग यूज कर लिए, सक्सेस होते चलेगा। क्योंकि हो सकता है कि आपके अप्लाई की उम्र कम हो, लेकिन वो सिर्फ उनका बात नहीं, ऊपर से आते हुए ये सिस्टम की बातें होती है जो आप तक पहुंचती है। तो बस उस बात को अडॉप्ट करना है, और कोई भी नई बात अगर फिर भी आती है तो हो सकता है आ सकती है कोई नया बात, लेकिन जब भी आए तो अपने अप्लाई से डिस्कस जरूर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है वही बात आपके अप्लाई के दिमाग में भी आई हो, और जब आपके अप्लाई के दिमाग में आई हो तो वो उनको अटेम्प्ट किए हो और उनको ठोकर लगा हो, और जब उनको ठोकर लगा तो कभी वो आपको ठोकर लगने देंगे क्या? कभी नहीं लगने देंगे। तो इसीलिए नेवर पास निगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉसलाइन, कभी भी निगेटिव बातें डाउनलाइन एंड क्रॉसलाइन में। बहुत बार क्या होता है, अरे मेरे अप्लाई तो सपोर्ट ही नहीं करते, अरे मेरे अप्लाई तो यही नहीं करते हैं, कोई ना कोई अप्लाई के बारे में बुराई, डाउनलाइन को, अरे यार मेरा तो प्रोडक्ट ही नहीं आ रहा है, अरे यार कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन डाउनलाइन को बोल के आप क्या कर रहे हैं, वो निगेटिव माहौल बना रहे हैं। और वो जिसको आप बोले हैं कि आप बेहतर कर सकते हैं, उसी को आप निगेटिव बात बोलिएगा तो कभी वो बेहतर करेगा क्या? और चलेगा भी तो उसके अंदर संस्कार क्या जा रहा है, सोच क्या जा रहा है? ये सोच जा रहा है कि यार ये तो अपने अप्लाई के बारे में हमको बोलते ही थे, कल के डेट में वही इंसान अपने टीम में आपके बारे में बोलना शुरू कर देगा। यानी कि याद रखिएगा, इसमें जो भी आप कीजिएगा, एक के साथ बेहतर कीजिएगा हजारों से बेहतर मिलेगा, एक के साथ गलत कीजिएगा हजारों से गलत मिलेगा। बस अपलाइन को वो जगह दीजिए, कभी भी डाउनलाइन अगर आपको कोई दिक्कत है, हो सकती है परेशानियां आ सकती है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसके पास है? डाउनलाइन के पास नहीं, क्रॉसलाइन के पास नहीं, अपलाइन के पास है। तो अपलाइन से डिस्कस कीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। एंड नेवर एवर प्ले विद फैमिली मेंबर ईगो एंड मनी। कभी भी यहाँ पे आप जब जाते हैं तो फैमिली मेंबर या किसी के ईगो को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं करनी है। बहुत लोग क्या करते हैं, अरे तुम नहीं आएगा तुमको तो देख लेंगे, ये नहीं बोलना है। इस बिजनेस का एक ही नियम है जो हम इस बिजनेस में अपनाए, सिर पे बर्फ मुंह में शक्कर, दिल में आग पैर में चक्कर। सिर पे हमेशा बर्फ रखिए, जुबान पे हमेशा शक्कर रखिए, लेकिन आग की तरह चुभा लीजिए और वो आग आपको पैर में चकरी ऑटोमेटिक लगा देगी।
आज एक ही चीज है कि जब हम भी चलना शुरू किए, बहुत लोगों की बात बुरी लगी, लेकिन हमको इतना ही पता था कि यार ये बंदा जो ना बोल रहा है इसको भी पैसा से दिक्कत नहीं है, इसको सेफ शॉप से भी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन फिर भी ये ना क्यों बोल रहा है। हो सकता है या तो हम इसको नहीं समझा पा रहे हैं या फिर ये समझना नहीं पा रहे हो। अगर हम नहीं समझा पा रहे हैं तो हमको और अपडेट होने की जरूरत है, उसी बहाने हम अपडेट हो जाएंगे। अगर ये नहीं समझना चाह रहा है तो कोई बात नहीं। हर चीज को इंसान में को जिंदगी में दो बार समझाया जाता है। आपकी जिंदगी में भी बहुत सारी सिचुएशन आए होंगे, हर सिचुएशन में दो बार इंसान समझाता है। पहला बार इंसान समझाता है, वो इंसान हमारे माँ बाप हो सकते हैं, हमारे भाई हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन उसी बात को दोबारा समझाता है। जब इंसान समझाता है तो इंसान के समझाने का 90% चांसेस होता है नहीं समझने का, लेकिन जब इंसान के नहीं समझ पाए तो दोबारा समझाता है वक्त, और जब वक्त समझाता है तो दर्द देकर समझाता है। तो इसीलिए जरूरत है इंसान से समझ जाने की, और कभी भी पैसे का आदान प्रदान टीम में मत कीजिए। नेक्स्ट।